हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग विद गौरी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फेस पैक, जिसके लिए मैंने लिया है एक कच्चा आलू। कच्चे आलू को अच्छे से धोकर साफ करके धुलने के बाद इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। आधा नींबू लिया है और ये मैंने जो नींबू कुछ मैंने सब्जी में यूज किया था, वो मैंने उसके जो खाली बचे हुए होते हैं ना, कहना चाहिए चिकन, उनको मैंने रख लिया और महीन कट कर लिया है। लगभग 2 चम्मच दही लिया है और ये मैंने लिया है दाना मेथी। दाना मेथी आप सभी लोग जानते होंगे, उसको लेने के बाद और इसमें ये मैंने थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी ली है। अगर आपके पास मुल्तानी मिट्टी का पाउडर है तो आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ये जो मैं आज पैक बनाने जा रही हूँ, ये सबसे पहली बार जो आप 35 क्रॉस कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। वैसे ही सभी लोग यूज कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े बड़े छोटे सब। इससे आपके पिंपल्स, झाई के निशान और सबसे बड़ी बात, इससे आपकी झुर्रियाँ बहुत कम होंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे और एक ग्राइंडर जार में डालकर बिल्कुल एकदम महीन और स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन के तैयार है जो हमने बनाया था उसका पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे नींबू, आधा नींबू। अब आप सबसे पहली बात सुन लीजिए, आपकी अगर ड्राई स्किन है तो आप इसमें नींबू नहीं यूज करेंगे, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें दही नहीं यूज करेंगे। तो अब आप पूछेंगे नींबू और दही की जगह क्या यूज करेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें एक टमाटर डाल लीजिएगा नींबू की जगह, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो दही की जगह दूध डालिएगा। अब सबसे पहले हमें अपने फेस पर, हाथों पर, जहाँ पर भी लगानी है उसको अच्छे से क्लीन करना है। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 चम्मच दूध लेंगे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो। 2 चम्मच दूध लेंगे, उसमें 2 चुटकी सेंधा नमक डालेंगे और उससे अच्छे से हाथ को साफ करने में करके दिखाती हूँ। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप 2 चम्मच दही लेंगे और उसमें भी यही प्रोसेस करेंगे। मेरी नॉर्मल टू ड्राई है तो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दही लिया है और इसमें मैं लगभग, ये देखिए, 2 चुटकी के करीबन नमक ऐड करूँगी। और दही आप जो है वो फिटा हुआ ही लीजिएगा, आप गाढ़ा दही मत लीजिएगा। और अगर दूध ले रहे हैं तो वो तो पतली फॉर्म में होगा ही। अब इसको अच्छे से हम किसी कॉटन की मदद से या बिल्कुल हाथ की हेल्प से अपने हाथों पर अच्छे से कम 1 से 2 मिनट के लिए मसाज करेंगे, या फेस पे लगाएंगे तो उस पर मसाज करेंगे, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए सबसे बढ़िया क्लिंजर होता है। मैं करके दिखाती हूँ क्या कर रहा है। ये देखिए, ये हमने अच्छे से अपने हाथ को क्लीन कर लिया है और इस पर अब हम ये जो मैंने पैक बनाया है वो लगाएंगे, और लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसको अच्छे से लगा रहने देंगे। और उसके बाद इसको ऐसे ही नहीं चुटाना है, मैं आपको बताती हूँ कि इसको चुटाना कैसे है। आप लगभग 15 मिनट मैंने उस पैक को लगाया और आप मेरे हैंड्स पर चेंज देख सकते हैं। ये आप दोनों हाथों पर आप मेरे चेंज देखिए, ये। और देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है जब आप ये पैक बनाएं तो आपको इसमें एक प्रॉब्लम हो, क्योंकि इसमें हमने दाना मेथी डाला है ना, तो ये थोड़ा ना रबड़ जैसा हो जाता है, तो ये जल्दी लगता नहीं है। तो मैंने इतने पैक को अलग निकाल लिया और लगभग इसमें 1/2 से 1/4 चम्मच बेसन ऐड कर लिया। आप चाहें बेसन ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें आप चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, या आप कोई भी अपना जो सूखा हुआ फेस पैक होता है ना, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर हो तो वो आप और ऐड कर सकते हैं। और इसे लगाने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। 100% अगर आप वीक में 2 बार इसको यूज करते तो 15 डेज में लगभग आपके फेस पे 40% निखार आएगा। देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपसे कह दूं कि एकदम से आपके, मतलब 100% निखार आ जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ इतना निखार आएगा ही आएगा। तो प्लीज़ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।